खबर सनावत मध्य प्रदेश से है। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश में तेजी से फैली महंगाई, बेरोजगारी, अघोषित बिजली कटौती से परेशान बुधवार को सनावत बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन। महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेताओं ने संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश महामहिम नरेंद्र पटेल ने बताया कि मोदी सरकार प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार के द्वारा महंगाई लगातार बढ़ती जा रही। पेट्रोल पर बता दें कि यूं तो सरकार 60 से 70 रुपये प्रति लीटर होता था, अब पेट्रोल का मूल्य 120 रुपये पार कर चुका है। मकान निर्माण के लिए भी लगने वाला सरिया जो कभी 30 से 35 रुपये होता था, आज 70 से 80 रुपये पहुँच चुका है। प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही, अघोषित बिजली कटौती, किसान परेशान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा, लेकिन अब जनता इन लोगों की सच्चाई को जान चुकी है तथा आने वाले चुनाव में इन्हें मुँह तोड़ जवाब देगी। प्राइम मेक न्यूज चैनल के लिए सनावत से दिलेश मालाकार। हमने आंदोलन को हथियार बनाया है और इस देश में महंगाई के खिलाफ में हम पूरे लड़ेंगे और इस महंगाई को हम कम कराने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। साथियों, मेरा ये कहना है इस देश की जनता को कि आंदोलन कोई कांग्रेस पार्टी को चुनाव का प्रचार नहीं समझे। इस ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ जनता के लिए आवाज उठाने के लिए झंडे के माध्यम से हम चल रहे हैं कि जनता, इस देश की जनता को महंगाई की मार न पड़े और इस बिजली की मार न पड़े। गृहिणियों को घर चलाने की बहुत समस्या हो रही है। आज मध्यम वर्ग के लोग जिसको 5,000 से 10,000 रुपए की तनख्वाह मिल रही है, वो किस प्रकार से घर चला रहा है, इसकी ओर किसका ध्यान नहीं है। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।